नमस्कार, दिल्ली 8 PM में आपका स्वागत है। दीपावली रोशनी का त्योहार है। दीपावली पर सभी बाजार रोशनी से भर जाते हैं। हमें यह पर्व कैसे मनाना चाहिए, इसी पर जानकारी देने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहां पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने वाले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 7832281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great avistar se Deepavali, Govardhan, Bhaiya Dooj sabhi ek saath aaye, in parvon ka kya mahatv hai, hame inhe kaise manana chahiye, dusre ko shubhkamnaen dete hain। हमने कुछ शुभकामनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं, पेश है आपको दी गई शुभकामनाएं। और बात करते हैं कुछ गणमान्य व्यक्तियों से। सर गणेश जी एक दिन ही आती है या 365 दिन आती है एक साल में? आदमी दिवाली को बड़ी धूमधाम से मनाता है, गणेश जी आएंगे, लक्ष्मी जी आएंगे। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं सब धर्म मान्य हूँ। गणेश की लोग डेली पूजा करते हैं और गणेश से शुरुआत लोग करते हैं। और हमारा तो भोजन स्वा पार्टी का नारा है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जब उस नारे के साथ इस देश में भोजन स्वा पार्टी की स्थापित करने की बात कर रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय बहन कौमावती सब जनता सब जन सुखाई की बात करती है, तो मानवता इंसानियत के लिए वो काम करती है। ऐसी मानवता इंसानियत की पार्टी केवल बहुजन स्वा पार्टी है। और इंसान मानव को यदि इस देश में जिंदा रखना चाहते हो तो बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना ही होगा, तभी हमारा कल्याण, तभी विकास होगा। सुंदरी दिवाली बाद निगम चुनाव भी होने हैं, यूपी में चुनाव भी होने हैं, क्या बसपा या निगम में निगम के अंदर अपना अधिकार जमाएगी, अपना हक जमाएगी? अभी पिछले चुनाव में हमने दिल्ली प्रदेश में 15 पार्षद हमारे आए हैं, लेकिन जिस तरह बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में काम कर रही है, हमारा टारगेट है कि तीनों मेयर बहुजन समाज पार्टी के बने। क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरह ही जब हमारे वहाँ 3 बार लंगड़ी सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी, तो हम दिल्ली में भी लंगड़ा मेयर देने की प्रयास हम कर रहे हैं। मेयर होगा तो हमारा होगा, नहीं तो हम किसी का बनने नहीं देंगे। वही क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारी बहुजन समाज पार्टी की प्रयोगशाला है, उसी प्रयोगशाला के तहत हम यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इस बार कि निश्चित तौर से तीनों मेयर बहुजन समाज पार्टी के बनेंगे। और इस बात को जनता की ललकार है, जनता इस बात को समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी भी देखा दिल्ली प्रदेश के लोगों ने
और कांग्रेस को भी देख लिया और केजरीवाल को भी देख लिया। अब तीनों पार्टियों से लोग दुखी होकर बहुजन समाज पार्टी पे अपनी आशाएं नजर टेके हैं कि बहुजन समाज पार्टी मैदान में आए और हम एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर, और यही शुभकामना देता हूं कि दिवाली के इस अवसर पर हम तहे दिल से हाथी को जिंदा रखना चाहते हैं, हाथी की पूजा करना चाहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में लानी होगी, तभी इस प्रदेश का श्री गणेश होगा, तभी इस देश में मानवता, इस प्रदेश में मानवता इंसानियत की बात चालू होगी। यही हमारा लक्ष्य है। इसी शुभ अवसर पर यही आपको हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली यही कहते हुए सभी को जय भीम, सभी को नमोद्धाय। आपने कहा आतिशबाजी पटाखे, जो चाइनीज पटाखे हैं उन पे क्या आप बैन करना चाहिए, क्या उनको यूज करना चाहिए, जैसे चाइना ने हमारे देश पर हमला किया? गुप्ता जी, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि जब भी देश हित की बात आती है तो हम कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूं कांग्रेस पार्टी से, सीमापुरी से, और मैं यही कहना चाहूंगा देशवासियों से कि देश हित के लिए देश की ही चीज़ें यूज करें, क्योंकि देश का ही हमारा पैसा जो होगा वो हमारे लोगों में यहाँ काम आएगा। चाइना से जो व्यापार हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बैन लगाया जाए, क्योंकि चाइना जिस तरह से हमारे देश में खा रहा है और गुर्राने वाली बात जिसको बोलते हैं, खाना और गुर्राना हमारी एक देसी भाषा है, खाना और गुर्राना मतलब लोग हमारे यहाँ से व्यापार करके ले जा रहे हैं। पूरे विश्व में आप देखेंगे कि चाइनीज माल को पिछले कई वर्षों से सबसे ज़्यादा भारत में आयात विर्यात हो रहा है, क्योंकि भारतवासी जितने भी हैं वो बेचारे लोगन में आ जाते हैं, गरीबी हालत के लोग होते हैं, तो वो चाइना जो जितना सस्ता माल देता है लेकिन उस चीज़ को वो समझ नहीं पाते। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि वो अपने इसको यूज करें भारतीय सामान। आप घर में बच्चों के साथ कैसे दीपावली मनाते हैं? मैं बच्चों के साथ अपने जो घर में हमारे व्यंजन बनते हैं छोटे मोटे, उनसे जैसे खीर हलवा पूरी वगैरह, बाहर से मिठाइयाँ जो हमारी हमारे ही लोकल जो देसी मिठाइयाँ बनती हैं, लड्डू हो गए आपके और जिस तरह के जो हो गए, इससे बनाते हैं। सिर्फ हम दीवे जलाते हैं और मोमबत्ती जो हमारे खादी ग्राम उद्योग की बनती है हम उससे अपनी मोमबत्तियाँ जलाते हैं। क्षेत्र के सभी लोगों को, अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को मेरी तो एक ही चीज कहनी है, लोगों से एक शुभकामनाएं देनी है कि क्षेत्र में सारे लोग मिलजुल के रहें, इरेस्पेक्टिव किसी भी जाति धर्म के हों, दीपावली मनाएं, खुशियों का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, एक होके एकजुट होके पॉल्यूशन कम करें हम लोग और खुशियाँ मनाएं। आप स्टाफों की दिन से इस दिन को प्राइज करते हैं, हर स्टाफ को उम्मीद होती है कि मेरा बॉस मुझे कुछ ना कुछ करेगा, कैसे करते हैं उनको आप प्राइज? मैं व्यक्तिगत तौर से सभी लोगों से मिलता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, गले मिलता हूं। एक परिपार्टी में जब 2.5 साल से इस ब्रांच में हूं तो हर त्यौहार पे हम एक गले मिलन करते हैं, मिठाई के साथ सेलिब्रेट करते हैं ब्रांच में, उस त्यौहार को उस दिशा से उस तरीके से ही मैं इसको सेलिब्रेट करता हूं। और छोटे छोटे गिफ्ट टोकन के साथ जो हमारा प्यार है शेयर करते हैं आपस में एक दूसरे से। क्या वजह है 2010 से उससे पहले से सब एक ही चीफ मैनेजर है जो 2010 में आया था 3 साल टिका, उसके बाद कुछ 6 महीने को 1 साल को 1.5 साल आपको 2.5 साल हो जा रहे, क्या आप ऐसे किया जो जनता और स्टाफ आपको चाहता है, क्या वजह है? सर, ये यमुना पार की हमारी सबसे बड़ी ब्रांच है, जाहिर सी बात है थोड़ी कठिन ब्रांच है, बहुत पुराना हमारा ग्राहक बेस है, इसमें सर्विस सेक्टर में सभी को सेटिस्फाई कर पाना बड़ा कठिन होता है, आपको एज ए ब्रांच हेड एक्स्ट्रा पेन लेना होता है। मैंने शुरू के दिन से लोगों से बात करने की कोशिश की, लोगों से बात करता हूँ, एक दूसरे का समस्या को समझने की कोशिश करता हूँ, स्टाफ को समझने का को काउंसल करता हूँ, उनको जो भी बैंक के नए नए लेटेस्ट चीज़ें हैं उनसे अवगत कराता हूँ। और हमारा काम है, हम नौकरी करने के लिए आते हैं, हम लोगों को सेवा देने के लिए आते हैं बैंक के नियमानुसार, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई समस्या है। मैनेजमेंट हमारा बिजनेस भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है, तो मैनेजमेंट के लिए मैं सही हूँ। तो देखना है कि मैनेजमेंट में भी वहाँ एक दूसरे से सिरते हैं, चिढ़ते हैं, टांग खींचते हैं, पर आपके सामने किसकी हिम्मत नहीं है, जब बुजुर्ग है, जवान है, ऑफिसर, वो आपका सम्मान करता है, ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त की आपने, कैसे पाया आपने? मैं खुद को सिक्के का जो एक टेबल के अगेंस्ट साइड होता है उसमें रख के देखता हूँ कि अगर मैं वहाँ हूँ तो अपने बॉस से क्या उम्मीद करूँगा, तो मैं उनको भी समझने का प्रयास हमेशा किया है मैंने, तो अगर मैं उनको समझने का कोशिश करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, तो लोग सारे लोग मेरे साथ होते हैं। कश्मीर भी आपका बहुत मान सम्मान करता है, क्या वजह है?
कस्टमर को आपने बढ़ाया है, पैसा बढ़ाया बैंक के अंदर, एफडीआई बढ़ाई आपके आपने, कैसे जनता को अपने पास अपने मुद्दे अपने उसमें रखते हैं कब्जे में? सर अंग्रेजी की एक लाइन है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, इरिस्पेक्टिव गरीब हो अमीर हो कोई भी उम्र हो सबके साथ मैं बात करता हूँ, उनको सम्मान देता हूँ वो भी मुझे सम्मान देते हैं। इसके साथ साथ दीपावली या बड़ी दीपावली आप बच्चों के साथ पत्नी के साथ अपने यार दोस्तों साथ कैसे मनाएंगे आप? बस सर एक तो जो लक्ष्मी पूजा है हमारे हिंदू रीति रिवाज में वो हम लोग करते हैं, घर में दिए जलाते हैं और लोगों से मिलना जुलना, अपने सभी लोगों से जो दूर हैं उनसे फ़ोन के थ्रू SMS के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू जो लोकल हैं बगल में उनसे मिल करके अपने मैसेज पास ऑन करना, बातें करना। दीपावली के दिन मॉर्निंग से मैं अपने एटलीस्ट मेरा एक रिकॉर्ड है कि 100-150 आदमी से बात करता हूँ। दो बच्चे आपके हैं वो बच्चों की डिमांड होती है, कुछ दीपावली हर बच्चे की डिमांड होती है, तो बच्चों की डिमांड को आप कैसे पूरी करते हैं? डांटते हैं पटकाते हैं या प्यार से समझाते हैं या उनकी इच्छा को पूरी कर देते हैं? नहीं नहीं नहीं, जो बच्चा है उसको उतनी समझदारी नहीं है, जो उसकी उचित मांग होती है मैं उसको देता हूँ, जो अनुचित होता है मैं उसको समझाता हूँ कि आपके लिए गलत है, डांट के मैं कभी कोई चीज करने में पसंद नहीं करता। अब होता है छोर से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते दिल्ली 8 PM। दीपावली पर क्या मैसेज देंगे आप? मैं बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से चौधरी चंद्र कुमार बोल रहा हूँ। मैं पूरे प्रदेश की इस जनता को इस ऐतिहासिक उत्सव पर, हिंदुओं के त्यौहार पर, मैं सबको हैप्पी दिवाली कहते हुए सबको शुभकामना देते हुए यही आशा करता हूं कि इस प्रदेश में सुख शांति रहे और लक्ष्मी आपके घर में हमेशा सुख देती रहे, गणेश जी आपके दरवाजे पर दस्तक देते रहे जिससे कि आपका घर मंगल रहे, यही मेरी शुभकामना है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका, धर्मवीर गुप्ता जी का और अपने दिल्ली 8 PM का, और सबसे पहले मैं अपने देशवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ऊपर वाले से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो दीपावली है बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और बहुत ही अदब और शांति के साथ मनाएं, क्योंकि पटाखे में जो बच्चों का नुकसान होता है उससे सावधानी रखें और अपने देश के जो बनाए हुए व्यंजन हैं, देश की जो मिट्टी के बनाए हुए दिए हैं और देश में जो बनी हुई मोमबत्तियां हैं उनको वो यूज करें। सर ये दीपावली ऐसे समय पर आई है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है इसने गदर मचा रखा है, रोज कभी किसी चौकी पे कभी किसी चौकी पे कभी किसी चौकी पे हमला कर रहे हैं और इधर चाइना अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा। अगर हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं ना तो चाइना का माल यूज करेंगे जो हमें अट्रैक्शन करने के लिए उन्होंने बनाए हैं, अगर हम सही मायने में हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं या हिंदुस्तान के वासी हैं, मैं तो यही कहूंगा जो हिंदुस्तान के वासी हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम चाइना के माल का बहिष्कार करें। दीपावली के पावन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जीटी रोड से क्या मैसेज देंगे आप? क्षेत्र के सभी लोगों को, अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को मेरी तो एक ही चीज कहनी है, लोगों से एक शुभकामनाएं देनी है कि क्षेत्र में सारे लोग मिलजुल के रहें, इरिस्पेक्टिव किसी भी जाति धर्म के हों, दीपावली मनाएं, खुशियों का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, एक होके एकजुट होके पॉल्यूशन कम करें हम लोग और खुशियां मनाएं। दीपावली के पावन पर्व पर क्या मैसेज हो गया? मैं अपने क्षेत्र वासियों को, अपने रामनगर जो हमारी RWA की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ, उनके घर में लक्ष्मी का आवास हो। दीपावली के पावन पर्व पर किसी बैंक की तरफ से क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं अपने दीपावली के शुभ अवसर पर अपने जितने भी सम्मानित ग्राहक हैं उनको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिवार सहित, और उनके आशा करता हूं उनके उनके बिजनेस काफ़ी डेवलप हों और उनके परिवार में सुख समृद्धि है। क्या मैसेज? मैं
रोहतास नगर ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी के जीवन में सारे त्यौहार खुशहाली लाएं, सबका जीवन मंगलमय हो, खुशहाल बना रहे, मेरी यही सबसे अपील है, यही ईश्वर से प्रार्थना है। दीपावली के पावन पर्व पर मैं अपने क्षेत्र की सभी जनता को, क्षेत्र की नहीं बल्कि सभी जनता को, वो कहीं भी रहती है, चाहे वो भारतवासी हैं, वो हमारे देशवासी हैं, तो उनको मैं अपने ओर से शुभकामनाएं देता हूं और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक प्राणी के जीवन में, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, गरीब है, निर्धन है, कोई भी प्राणी है, उसके जीवन में जो है सुख का संचार करे भगवान और उसको उन्नति दें, उसको हर तरह से ऐश्वर्य दें और उसको हर तरह से सुख प्रदान करें। पावन पर्व पर ओबीसी बैंक की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से क्या मैसेज देंगे? हम ओरिएंटल बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और हम ये कहते हैं कि हमें उनका भविष्य मंगलमय हो, उनको व्यापार बढ़े, वो यहाँ पे आएँ, हम उनको अच्छी सर्विस देने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे और यही हमारी शुभकामनाएं हैं। विकास गुप्ता जी, दिवाली पर क्या मैसेज देंगे जनता को? दिवाली पर, दीपावली पर क्या मैसेज देंगे? दिवाली पर, दिवाली सबके लिए मंगलमय हो, सब सुखी रहें। जो जैसे आजकल देखा आपने कितनी बीमारियाँ, चिकनगुनिया, बुखार, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आई और लोग कितने दुखी हुए। हम कहें भगवान करे महालक्ष्मी सबके घर में आए, सबके कारोबार चले, सब खुशहाल रहे, सब प्रकार से प्रसन्न रहे, यही हमारी मनोकामना है और प्रभु से प्रार्थना है। मैं तमाम देशवासियों को और अपने क्षेत्र की जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहां अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती है। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, भोलनाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा 32। फोन नंबर 2230-6292-2239-2314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य और अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहां पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें, नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 2257-3594, वेबसाइट www.siddharthinternational।
मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। आपका फिर से स्वागत है। नंबर 2, पाकिस्तान जो शरारतें कर रहा है, हमारी फौज उनको जवाब दे रही है। उन्होंने बॉर्डर संभाल रखा है, लेकिन अंदर का हिस्सा हमने संभालना है। देश के अंदरूनी सिपाही हम हैं और बॉर्डर के सिपाही वो हैं, जिनकी वजह से हम रात को चैन से सोते हैं, जिनकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, जिनकी वजह से हम आजाद हैं। हमारे जो रक्षक हैं, फौजी हैं, सरहदों पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके प्रति भी हमारा कुछ फर्ज बनता है। हम सैनिक कोष में कुछ ना कुछ जरूर दें, क्यों, वो भी हमारे भाई हैं, किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी का पड़ोसी है, किसी का यार दोस्त है, तो इनकी जो शहादत है वो व्यर्था नहीं जानी चाहिए और इनको जो है प्रोत्साहन देते रहना चाहिए कि अगर फौजी हमारा सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। बॉर्डर पे फौजी सुरक्षित है करने के लिए हमें, और हम अंदर देश के सिपाही हैं, हमारा फर्ज बनता है। कोई अलगवादी तब देखो पाकिस्तानी एम्बेसी में वहाँ के अधिकारी पकड़े गए हैं, मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान को चाहिए ये एम्बेसी यहाँ से भगा दें, जो हमारे देश के अंदर रह के हमारे देश को खोखला करना चाह रहे हैं। हमें ऐसे पड़ोसी नहीं चाहिए, ऐसी एम्बेसी नहीं चाहिए, हमें खुद चाहिए कि हम इनका बहिष्कार करें। और बहिष्कार कब होगा, जब हम एक से एक कंधा मिला के चलेंगे। और अगर नहीं खरीद रहे तो दुकानदार क्यों रखेगा, जो चीज नहीं बिकेगी मैं क्यों रखूंगा। सर ऐसे कोई परेशान नहीं है दुकानदार, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सर्वे करवाता हूँ। जो उन्होंने रखे हुए हैं चोरी छुपे रखे हुए हैं, छापा पड़ने के बाद ये अंडरग्राउंड हुए हैं, नहीं तो शरेआम लगे हुए थे। आप कैसे कहते हैं नहीं रखे, जो चीज बिकेगी नहीं मैं क्यों रखूंगा, मेरे पास फालतू पैसा तो है नहीं। तो ऐसे ही है ये, और चोरी छुपे अब भी बेच रहे हैं लोग। तो मैं उन लोगों से भी ताकीद करता हूँ और विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि अपने देश के भक्त बने, देश के प्रति वफादार बने, देश के प्रति सेवादार बने और अंदरूनी सिपाही बने। जो भी चाइना का माल है उसे डंप कर दें, मैं तो यही गुजारिश करूंगा। और जो भाई और काम खरीदना चाहते हैं चाइनीज पटाखे ना खरीदें। आप हर वर्ष भारतीय सुबह कैसे मनाएंगे दीपावली बच्चों के साथ और समाज में? मैं समाज में बच्चों से थोड़ा उन्हें गाइड करूंगा कि वो ज्यादा पटाखे ना छोड़े, प्रदूषण से बच रहे। जैसे पटाखे बात की, अभी चाइनीज पटाखे पर दुनिया बैन कर रही है कि हम चाइनीज पटाखे छोड़ेंगे, क्या वास्तव में चाइनीज पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए? वास्तव में हमें चाइनीज कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज का माहौल देखो आप, हमारे देश के जवान बेचारे, दिवाली तो बेचारी बहुत बड़ी बात है, वो घर पे आ नहीं पाते और हम यहाँ बैठे हुए खुशियाँ मना रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, वो बेचारे रात दिन सेवा कर रहे हैं हमारी। तो मैं ही चाहूँगा कि चाइनीज चीज कोई भी इस्तेमाल ना करें। श्याम जी, क्या हो कि इस दीपावली पर आदान प्रदान बहुत होता है, क्या ये आदान प्रदान होना चाहिए, क्या पैसे की वेस्टेज नहीं है? जी जी, क्या आदान प्रदान करने से कोई काम हो जाएंगे आपके? ये आप में दम है, बिना आदान प्रदान के भी काम हो सकते हैं आपके? बिल्कुल, आदान प्रदान के देखो, आदान प्रदान पैसे का प्रदान वरदान नहीं होना चाहिए, मिठाई और आपका छोटा मोटा जो गुलदस्ते फूल वूल का आदान होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मिलन मिलने हिंदू रीति की रीति रिवाज बना हुआ है। बस पैसों का आदान नहीं होना चाहिए। देखने वाला कि हमें किसी ऑफिसर से काम है जी, तो उसको गिफ्ट दे के आते हैं जी, उसको ओबलाइज करते हैं, क्या वजह है? सर ओबलाइज करना अलग बात है, संबंध अलग बात है, संबंध अवल गुप्ता जी, मेरी मानना है ओबलाइज हम कर रहे हैं कि उससे कोई काम करना चाहते हैं,
हमको एक काम कराए, इसका मतलब हम उसका निस्वार्थ सड़ थोड़ी कर रहे हैं, हमारा स्वार्थ इसके अंदर हमारा संबंध है, संबंध में कुछ भी उसे मिठाई का डब्बा फूल वगैरह जैसे 80-90% व्यक्ति ऐसे जो स्वार्थ के ही गिफ्ट देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं, कोई किसी को पूछता तक नहीं है। गुप्ता जी ऐसा है, लोगों की अपनी सोच है, मैं ये सोचता हूँ हमारा मिलना, अपने मिलो, गले मिलो, भाई चारा बनाओ, ये स्वार्थ बना नहीं है। श्यामी जो आपकी सोच है वो सबकी सोच क्यों नहीं है? सोच होनी चाहिए सबकी, नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? गुप्ता जी आपके आप मुझे 4-5 साल से 10 साल से देख ही रहे हो, बाबा की कृपा है मेरे पास, हम बाबा की, तो आपका व्यवहार आपके काम आता है, आप दूसरे की सेवा करोगे तो प्रभु आपको देगा, अपनी स्वार्थ सेवा करोगे तो अपना स्वार्थ देखोगे कोई आपके पास नहीं आएगा। क्यों नहीं इंसान समझता है कि मुझे निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, अपना स्वार्थ 99% अपना स्वार्थ दिखता है, दूसरे स्वार्थ कोई नहीं दिखता है में। तभी ये सोच गलत है, आप दूसरों का स्वार्थ, पहले स्वार्थ देखो, दूसरा स्वार्थ है, अपना स्वार्थ मत देखो, बेचारा किसी मुसीबत में आपके पास आया है, वो भी अपनी मुसीबत लेके आया, आप उसे उसको काट लो, सही नहीं है, गलत, मैं उसे अच्छा नहीं मानता। इसके साथ साथ आप दीपावली बच्चों के साथ कैसे मनाते हैं? मैं बच्चों के साथ अपना घर में लक्ष्मी पूजा वगैरह करता हूँ, अपने स्टाफ के साथ करता हूँ, मिठाइयाँ बांटता हूँ और यार दोस्तों से गले मिलता हूँ। बस आप अपने नसीब को तो मानते हैं, भाग को मानते हैं या अपनी मेहनत को मानते हैं आप? मैं भाग बाबा का आशीर्वाद और मैं थोड़ी सी मेहनत। क्या मेहनत से इंसान पैसा कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है, उसे भाग में नहीं है, नसीब में नहीं है पैसा, मजदूरी में सर्विस करता है, मेहनत करता है, 24 घंटे काम करता है, उसके बाद भी वो नहीं कमा पाता? नहीं ऐसा नहीं है बापू, हमारे हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेहनत कराई, खुद भी मेहनत थे। गुप्ता जी बहुत गरीब परिवार था, मुझे बाबू ने हाथ पकड़ा, मैंने मेहनत करी, मेरे बाबू जी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इसलिए आज मैं वकील बना और अच्छी सेवा कर रहा हूँ। बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2232-0638, 2232-0637, 9817-2184, 9815-2. हमारा फैक्स नंबर है 2232-0638, ईमेल आपके बात @yo.coin, हमारी वेबसाइट है www.dillyekpmnews.com। हमारा आज का यह बुलेटिन ये समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 108 नंबर है श्री रामनगर स्वागत दिल्ली 32।